नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम धाकड़ में। धाकड़ का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। धाकड़ का मतलब होता है निडर, दबंग और कहीं ना कहीं से हर किसी को टसन देने वाला। और इसी विषय को लेकर मुनीश खान और लखविंदर सिंह की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों के बीच धमाल मचाने आ रही है। हमारे साथ खुद है मुनीश खान। मुनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये धाकड़ क्या है मुनीश भाई? धाकड़ एक वेब सीरीज है जो हमारी कंपनी आर्क एंजल एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है और लखविंदर ने उनका डायरेक्शन किया है। वेरी गुड। और ये जो वेब सीरीज है, आज तक आपने यूपी बेस्ड फिल्म्स देखी हैं जिसमें आपको गुंडागर्दी दिखाई दी, एक्शन दिखाई दिए। हम दोनों ने बैठ के एक प्लानिंग किया था कि राजस्थान के कल्चर के ऊपर, राजस्थान का जो फील है, कल्ट फील हमने आज तक सिनेमा में देखा नहीं है। बहुत टाइम पहले 80s में देखा था, तो उसको हमने वापस जिंदा करने की कोशिश की है। और हमने ये वेब सीरीज जाके राजस्थान में शूट की है, वहीं के लोकल लोगों को लेके शूट किए हैं, वहाँ के आर्टिस्ट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, और जिसका नाम हमने धाकड़ रखा है। और आप लोगों को एंटरटेन करेगी ये फिल्म वेब सीरीज, और फुल एक्शन पैक्ड है, और समथिंग डिफरेंट आपको वापस आर्क एंजल की तरफ से देखने को मिलेगा, जो मेरी और लखविंदर की टीम आपके लिए लेके आने वाली है। और आर्क एंजल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर बार अलग सब्जेक्ट पे काम करती है ये जो कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मकसद सिर्फ ये होता है मनोरंजन। आप इस बार किस तरह से दर्शकों को मनोरंजन करने वाले हैं? देखो, मेरा टाइटल आपने जैसे सुना कि धाकड़ है, तो राजस्थान की जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा रोमांस में कम बिलीव करते हैं, उनको एक्शन ज़्यादा पसंद है। तो उस मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए और इसलिए हमने ये धाकड़ शब्द चुना और उसकी वेब सीरीज बनाई। और फिल्म के अंदर डेफिनेटली अगर धाकड़ है तो एक्शन जबरदस्त है इसके अंदर। और वेब सीरीज में जिस तरह से साइको ने हंगामा मचा रखा है, साइको से कितना अलग होगा मुझे चाहिए? साइको से एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। और मैं तो ये बोलूंगा कि पहली बार एक ऐसी वेब सीरीज आ रही है जिसमें आपको फिल्म का मजा देखने को मिलेगा। इसके अंदर वेब सीरीज में जो एक्शन है उसके साथ साथ हमने स्पेशली इसमें सॉन्ग्स भी शूट किए हैं। अच्छा। तो आई थिंक अभी तक कोई वेब सीरीज आई है जिसमें सॉन्ग्स नहीं देखे हैं, तो हमने बहुत इसके सॉन्ग्स बनाए हैं और फिर शूट किया है, तो बहुत दिल से हमने इसको रेडी किया है। आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एक कल्चर, एक अलग एहसास कराएंगे, एक एहसास होगा जिसमें गाने होंगे, एक्शन होगा एंड एंटरटेनमेंट होगा। जाहिर है इसमें आपका भी किरदार हम देख पाएंगे या नहीं? नहीं, इसे मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा। इसके मेन लीड मेरे ब्रदर हैं मिस्टर सरोज खान, जो इसमें मेन लीड प्ले कर रहे हैं। स्पेशल और क्या क्या रखेंगे ध्यान इसमें, क्योंकि वहाँ का जो बैकग्राउंड है बहुत ही खतरनाक माना जाता है? तो आपको देखने को मिलेगा लोकल फ्लेवर, लोकल फ्लेवर देखने को मिलेगा और लोकल जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। प्लस झालावाड़ में शूट किया है, तो झालावाड़ राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत जगह है और ज़्यादा एक्सपोज हुई नहीं है, लेकिन फिल्म में जब आप, वेब सीरीज़ में जब आप देखोगे उस लोकेशन को, तो अच्छा लगता है देख के कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशंस है। तो जाना चाहिए मेकर्स को वहाँ पर और उन लोकेशंस को एक्सपोज करना चाहिए। और लोकल आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको जल्दी स्कोप मिलता नहीं है काम करने का। तो मैं आर्क एंजल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो नए लोगों को मौका देता है, काम उनका जो टैलेंट है उनको दिखाने का मौका मिलता है। आर्क एंजल ने हमेशा यही कोशिश की है ना कि सब्जेक्ट अलग हो। सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी सीरीज़ देखता है अलग अलग तरीके से देखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नयापन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनकी जो टीम है हमेशा अलग करने की कोशिश करती है। और राजस्थान के बहुत ही नामचीन डायरेक्टर हैं लखविंदर सिंह, और बहुत सारे आप लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं मुनीश भाई, बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं जी। इसका भविष्य कैसे देखते हैं? वेब सीरीज बाकी लोग जो बना रहे हैं उसमें कितना अलग होगा ये, क्योंकि इसमें गाने वाने डाल रहे हैं आप? जी जी, सी वेब सीरीज ही आने वाला फ्यूचर है, डिजिटलाइजेशन इतना आगे बढ़ गया है जी। तो लोग अगर आप देखें तो आजकल टीवी कम और नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं देखना। तो वेब सीरीज डिजिटलाइजेशन के ऊपर सबसे मेन चीज यही है कि आप उसको सीधे लॉग इन करके या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, आपको टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फ्यूचर है, बेशक फ्यूचर है। और हमने आज तक जितने भी हमने जो राजस्थानी प्रोजेक्ट बनाए या फिर हिंदी प्रोजेक्ट बनाए उनमें हमेशा सफलता पाई है और ऑडियंस का सपोर्ट मिला है हमें, और हम चाहते हैं कि इस बार भी ऑडियंस का सपोर्ट मिले। वो धाकड़ को देखें, आर्क एंजल एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिस पर धाकड़ आएगी। बिल्कुल। इसका हम फर्स्ट पोस्टर कोशिश कर रहे हैं कि 4th of December को लॉन्च करें, एंड फिर टीजर एंड उसके बाद प्रमोशन चालू हो जाएगा, एंड इंशाल्लाह 2019 में हम लोग इसको
रिलीज कर पाएंगे? 2019 में कुछ नया होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि धाकड़ एक नया इंटरटेनमेंट तो देगा ही लोगों को, जरूर देगा। और आर्केंजल ने राजस्थान को बहुत से प्रोजेक्ट्स दिए हैं, भवरी बहुत सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट रहा है आर्केंजल का, प्लस हुकुम एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत बड़े स्केल पे दोनों फिल्में रिलीज हुई, पूरे नेशनल लेवल पे ये दोनों पिक्चरों को अप्रिशिएट किया लोगों ने। और कोटा जंक्शन से हम लोग देख चुके हैं, कोटा जंक्शन जी को और आपको देख चुके हैं, राजस्थान के साथ एक अटैचमेंट है, वहाँ की ऑडियंस का एक भरोसा है आर्केंजल के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, जो तो हम भी चाहते हैं कि वो भरोसा बनाए रखें। उसी भरोसे को ध्यान में रखते हुए हम धाकड़ लेकर आए हैं, ताकि ये धाकड़ एक धाकड़ जैसा नए साल में नया तोहफा देंगे, नया तोहफा हो तो बिल्कुल इंतजार करते रहिए आप। और आप वेब सीरीज देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, आर्केंजल एंटरटेनमेंट का एक अपना यूट्यूब चैनल है और जाहिर तौर पर उसमें जो भी इनकी गतिविधियां होती है उससे आप रूबरू हो सकते हैं। तो हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में मनोरंजन का ये सिलसिला है, ये जो सफर है, बदस्तूर जारी रहे। मुनीश भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और लखविंदर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो कहा ही जा सकता है कि धाकड़ में वो जान है, वो शब्द है, वो भाव है जिसको आप लेकर कहीं ना कहीं से महसूस कर सकते हैं कि मनोरंजन का एक नया रास्ता है और उस पर सिर्फ आप इंटरटेनमेंट महसूस कर सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।